टू माई चैनल टेक जिनी। तो चले फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं पैनासोनिक के लॉन्च हो चुके दो नए स्मार्टफोन्स के बारे में। यस, एंड ये दो स्मार्टफोन्स का नाम है पैनासोनिक लूगा X1 एंड पैनासोनिक लूगा X1 प्रो। बेसिकली ये दोनों स्मार्टफोन्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, जहाँ पे मेजर डिफरेंस है उसके रैम को लेकर, उसके इंटरनल स्टोरेज को लेकर। अदरवाइज ऑलमोस्ट ये स्मार्टफोन्स के फीचर्स एकदम आइडेंटिकल है। अब बात करते हैं ये दोनों स्मार्टफोन्स के हाईलाइट के बारे में। तो ये दोनों स्मार्टफोन्स में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसके अलावा कैमराज में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे फीचर्स एंड फंक्शनैलिटीज दी गई हैं। एंड इसके अलावा ये दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट डिस्प्ले में नॉच दिया गया है, एक स्टेनलेस बॉडी भी दिया गया है, जिसकी वजह से स्मार्टफोन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक भी मिलता है। एंड येस, नॉट टू फॉरगेट कि दोनों स्मार्टफोन में 2.5D कर्व्ड ग्लास भी दिया गया है, जिसकी वजह से स्मार्टफोन के स्क्रीन को भी एक राउंडेड एज मिलता है, जिसकी वजह से स्मार्टफोन और भी ज़्यादा स्टाइलिश दिखता है। एंड अगर हम लोग दूसरे ऐप्स के फंक्शनैलिटीज़ के बारे में बात करेंगे, तो ये दोनों स्मार्टफोन्स में एल्बो हॉप करके एक ऐप इंस्टॉल करके दिया है। बेसिकली ये एक AI बेस्ड ऐप है, जो अप्रॉक्सीमेटली आपको दूसरे 20 छोटे छोटे ऐप्स को सपोर्ट करते हैं, जहाँ से आप इजीली कैब बुकिंग कर सकते हो, आप बिल पेमेंट्स कर सकते हो, न्यूज़ है, हॉरोस्कोप है वगैरह, ऐसा कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना है तो आप इस ऐप के थ्रू कर सकते हो। एंड अभी अगर हम सिर्फ स्पेसिफिकली पैनासोनिक लूगा X1 प्रो के बारे में बात करते हैं, तो येस, वो स्मार्टफोन में वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है, विच इज़ डेफिनेटली अ वेरी गुड पॉइंट। एंड दूसरी हाईलाइट पैनासोनिक के स्मार्टफोन्स की ये कि पैनासोनिक ने ये दोनों स्मार्टफोन्स को एक लो रेंज स्मार्टफोन के तौर पे नहीं, बल्कि ये दोनों स्मार्टफोन्स को एक मिड रेंज प्राइस सेक्टर में लॉन्च किया गया है। तो चले फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पैनासोनिक के दोनों स्मार्टफोन्स के फीचर्स एंड फंक्शनैलिटीज़ को। बट उसके पहले फ्रेंड्स, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द लेटेस्ट वीडियोस। एंड फ्रेंड्स, जिन्होंने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड आशा है कि आप सब ये वीडियो एंड तक देखेंगे। तो अब आप आगे बढ़ते हैं, क्विकली बात कर लेते हैं पैनासोनिक लूगा X1 एंड पैनासोनिक लूगा X1 प्रो के फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं स्क्रीन साइज से। तो यस, ये दोनों स्मार्टफोन में 6.18 इंच का स्क्रीन दिया गया है विद फुल HD+ डिस्प्ले। एंड ये दोनों स्मार्टफोन में स्क्रीन रेजोल्यूशन है 1080 पिक्सल्स इनटू 2246 पिक्सल्स। एंड एज आई सेड कि दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट के डिस्प्ले में नॉच दिया गया है, तो इसकी वजह से दोनों स्मार्टफोन में एस्पेक्ट रेशियो है 19:9 का। 2.5D कर्व्ड ग्लास भी दिया गया है एंड साथ में स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में। तो यस, ये दोनों स्मार्टफोन में ऑक्टोकोर प्रोसेसर दिया गया है विथ मीडियाटेक हीलियो P60 का चिपसेट। एंड रैम एंड इंटरनल स्टोरेज के बारे में बात करेंगे, तो यस फ्रेंड्स, यहाँ पे ये दोनों वेरिएंट्स में डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम पैनासोनिक लूगा X1 के बारे में बात करते हैं। तो वो स्मार्टफोन में 4GB रैम दिया गया है विथ 64GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज, एंड जिसको आप डेफिनेटली एक एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड से मेमोरी को 128GB तक एक्सपेंड कर सकोगे। अब हम बात करते हैं पैनासोनिक लूगा X1 प्रो के बारे में। तो यस, ये स्मार्टफोन में 6GB रैम दिया गया है विथ 128GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज, एंड यहाँ पे भी आप मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड से 256GB तक एक्सपेंड कर सकोगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ऑप्टिक्स के बारे में। तो यस, एज आई सेड कि दोनों स्मार्टफोन्स में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। तो जहाँ पे उसके रियर पैनल में प्राइमरी कैमरा है 16MP का एंड सेकेंडरी कैमरा है 5MP का फॉर डेप्थ सेंसरिंग, एंड इसके अलावा ऑफकोर्स उसमें LED फ्लैश भी दी गई है। एंड अगर हम बात करते हैं सेल्फी कैमरा के बारे में, तो पैनासोनिक लूगा X1 एंड पैनासोनिक लूगा X1 प्रो, ये दोनों स्मार्टफोन्स का फ्रंट कैमरा है अगेन 16MP का, तो विच इज़ अगेन अ वेरी गुड पॉइंट। एंड इसके अलावा एज आई सेड कि हम उसके कैमरा फीचर्स के बारे में बात करते हैं, तो इसके फ्रंट में AI सीन रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी भी यूज़ की गई है, जिसकी वजह से आप एकदम अच्छे से बुके इफेक्ट फोटोज़ ले सकते हो। टाइम लैप्स है, पोर्ट्रेट मोड है, लाइव इमेजेस है, बैकलाइट मोड भी दिया गया है, प्रोफेशनल मोड भी दिया गया है, साथ में आपको ग्रुप सेल्फी का फीचर भी दिया गया है। कि फ्रेंड्स, हाफ सेकेंड से भी कम टाइम में कंपनी क्लेम करती है कि आप ये स्मार्टफोन से आपका फ़ोन को अनलॉक कर सकते हो, तो यानी कि इतना क्विक ये स्मार्टफोन में फेस अनलॉक फंक्शनलिटी दी गई है। एंड इसके साथ साथ कंपनी क्लेम भी करती है कि इवन इन लो लाइट सीन्स इसका फेस अनलॉक टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। तो फ्रेंड्स, ये तो बात थी ऑप्टिक्स के बारे में। अब आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं बैटरी के बारे में। तो यस, ये दोनों स्मार्टफोन्स में 3000mAh की बैटरी दी गई है, एंड कहीं ना कहीं ये दोनों स्मार्टफोन्स क्विक चार्जिंग भी सपोर्ट करेगा। एंड इसके अलावा ये दोनों स्मार्टफोन्स में डुअल सिम भी दिया गया है, एंड साथ में दो डिफरेंट कलर वेरियंट्स में अवेलेबल रहेगा, सिल्वर एंड डार्क ग्रे। तो अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, फाइनली बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी एंड सेंसर्स के बारे में। तो यस, डेफिनेटली ये दोनों स्मार्टफोन्स 4G वॉइस ओवर LTE सपोर्ट करेंगे ही। इसमें वाईफाई है, ब्लूटूथ है, GPS है, AGPS
डिवाइस है. एंड अगेन अ गुड पॉइंट है कि ये दोनों स्मार्टफोन्स में USB टाइप सी पोर्ट दिया गया है. एंड अब बात करते हैं हम लोग 3.5mm जैक की. तो फ्रेंड्स ये दोनों स्मार्टफोन्स में कहीं पे भी 3.5mm जैक नहीं दिया गया है, कम्प्लीटली एलिमिनेट किया गया है. बल्कि ये दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स में आपको USB टाइप सी टू 3.5mm का एक अलग से अडेप्टर दिया जाएगा. एंड अब बात करते हैं सेंसर्स के बारे में. तो यस फ्रेंड्स, डेफिनेटली स्मार्टफोन्स में रेयर पैनल में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है. इसके अलावा इसमें गायरोस्कोप है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, एम्बिएंट लाइट सेंसर है, मैग्नेटोमीटर है, कॉम्पस है, एंड हॉल सेंसर्स है. ऐसे सेंसर्स इंक्लूड किए हैं. तो फ्रेंड्स ये थे ओवरऑल फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस पैनासोनिक लुगा X1 एंड पैनासोनिक लुगा X1 प्रो के बारे में. तो अब बात करते हैं हम प्राइसिंग के बारे में. तो एज ए सेट की दोनों स्मार्टफोन्स को एक मिड रेंज सेक्टर में इंट्रोड्यूस किया गया है. तो जो बेस वेरियंट है जो कि है पैनासोनिक लुगा X1, उसका प्राइस सेट किया गया 22,990 विच इज अलमोस्ट 23,000. एंड जो उसका हाई वेरियंट है जो कि है पैनासोनिक लुगा X1 प्रो, उसका प्राइस सेट किया गया है 26,990 विच इज अलमोस्ट 27,000. एंड ये दोनों स्मार्टफोन्स ऑलरेडी इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च हो चुके हैं. आपको सारे रिटेल स्टोर्स एंड ऑनलाइन स्टोर्स भी ये दोनों स्मार्टफोन्स अवेलेबल रहेंगे. तो यस फ्रेंड्स, अब बात आती है कि क्या हम लोग को ये स्मार्टफोन्स खरीदना चाहिए. तो कहीं ना कहीं ये स्मार्टफोन इतने भी इंप्रेसिव नहीं है, एक एवरेज स्मार्टफोन ही है. 3000 बैटरी इज कम्प्लीटली अ नो नो एट दिस रेंज. अगर 3300 mAh की बैटरी होनी चाहिए थी तो कुछ बात बनती. यस कैमरा वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लुक वाइज भी ये स्मार्टफोन कहीं ना कहीं अच्छा है. एंड मीडियाटेक हीलियो P60 जो प्रोसेसर दिया है वो भी कहीं ना कहीं ठीक ठाक ही है. बट अगर अगेन ये स्मार्टफोन का प्राइस 23,000 एंड 27,000 सेट किया गया है तो ये रेंज में डेफिनेटली आपको ये स्मार्टफोन से बेटर और भी ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे. बिकॉज रिसेंटली सैमसंग ने गैलेक्सी A7 लॉन्च किया विद ट्रिपल रेयर कैमराज, उसका प्राइसिंग भी 23,000 के आसपास ही सेट किया गया है. तो एनीवेज पैनासोनिक के अगेंस्ट सैमसंग का जो ऑप्शन है A7, वो डेफिनेटली एक बेटर ऑप्शन रहेगा. एंड इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो यस और एक अच्छी बात यह है कि जो पैनासोनिक लुगा X1 है उसमें ऑलरेडी आपको वायरलेस चार्जिंग बॉक्स के अंदर ही मिलता है. एंड साथ में आपको USB टाइप सी वाले हेडफोन्स भी दोनों के बॉक्स में अवेलेबल रहेंगे. तो फ्रेंड्स ये थी बात ओवरऑल पैनासोनिक लुगा X1 एंड पैनासोनिक लुगा X1 प्रो के बारे में. एंड अगर आप सबको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. प्लीज़ 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 डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल टेक जिनी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.